दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट में रविवार शाम से भीषण आग लगी है। डंपिंग यार्ड से पिछले करीब 12 घंटे से आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार निकल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। आग पर पूरी तरह से अभी भी काबू नहीं पाया गया है। आसपास के लोगों को आग की वजह से निकल रहे धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस धुएं की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लोग परेशान हैं और यानी कि बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा प्रदूषण है। ये पूरा मुल्ला कॉलोनी के अंदर आ रहा है इस एरिया में, और ये कल सुबह से आग लगी हुई है इसमें, ये धुआं और बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित वायु है। प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है और हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसके बारे में सोचें और फिक्र करें, क्योंकि इसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत और परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। सरकार से आपकी क्या अपील है? हमारी सरकार से ये अपील है कि इस परेशानी को जल्द से जल्द सुधार किया जाए। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह की भी, और कितनी बार कहा है ये, इसमें आग लगी रहती है आए दिन और धूल धुआं वगैरह इसका तो है ही है, पानी का भी जो कि अभी तक दस्त लगे हुए हैं हमारे बच्चों के, हमारे यहाँ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कोई सुनने वाला नहीं हो रहा। तो क्या आपको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं कहूँ कई तो सांस की वजह से चल बसे, हम लोगों को तो बहुत बुरा हाल है। अभी कितने दिन और लग जाएंगे? ये तो कोई पता नहीं जी, वो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। जब धुआं आवे तो आँखों में धुआं लगे, वैसे परेशानी होवे, सब कुछ परेशानी आती है और क्या। मतलब ये कल से लगा हुआ है, अभी तक बुझा नहीं है? नहीं, आग जब लगी तो बुझेगी कैसे, बुझती रहे जल्दी से। आपको कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो, सांस लेने में परेशानी हो गए। तो ये तो पूरे कॉलोनी को दिक्कत हो रही होगी? पूरी कॉलोनी को दिक्कत हो गई। पिछली बार भी कुछ यहाँ पे हो गया था? पर पिछली बार तो इसमें आग लगी ना तो गिर गया खत्ता, बहुत आदमी मर गए थे, बहुत आदमी, जानवर भी, बकरी भैंस इंसान बहुत मरे थे।